नमस्कार, इस समय यूपी के जो है मऊ जिले में उपस्थित हैं और देखा जा रहा है तो काफ़ी जो है बिहार में एक ऐसे जो है टैलेंटी जो है विलन के जो है रोल अदा करने वाले बहुत लोग मिले होंगे, लेकिन यूपी में खासतौर से आपको मैं दिखा पा रहा हूँ जो ये संघर्ष भरी जो जिंदगी अपना गुजारते हुए एक साकर बनाते हुए, जो इनका नाम वीरेंद्र साकर, वीरेंद्र कुमार टाइगर इनका नाम है, और जो कि संघर्ष भरी ये जिंदगी अपना जीते हैं। जहाँ तक जो है देखा जा रहा है तो कई फिल्मों में ये अपने भूमिका निभा चुके हैं, जहाँ तक जो है पवन सिंह के भी साथ वांटेड में ये काम कर चुके हैं और डेढ़ लाख दुल्हा जो है साउथ में उसमें भी काम कर चुके हैं, तमाम कई फिल्में हैं, लेकिन इनसे जानकारी लेंगे कि आखिरकार इनका शुरुआत कहाँ से हुआ। सबसे पहले वी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है भैया। मेरी पहली फिल्म आया था जी, यहीं पर मैं काम कर रहा था जी, मऊ के लोग कुछ लोग कलाकार फिल्म में काम कर रहे थे तो मुझे भी मेरे क्या आया लोग, अच्छा बोले भैया आपका लुक तो बहुत अच्छा है, आप फिल्म में काम कर लीजिए। हमने नहीं यार, मुझे फिल्म काम नहीं करना है जी। तो बोले नहीं नहीं आप काम कर लीजिए फिल्म में। अच्छा, तो मैंने बोला ठीक भाई, लेके गए। पहली फिल्म मेरा था जूनियर निरहुआ धरती के लाल। अच्छा, जूनियर निरहुआ धरती के लाल पहला फिल्म था। पहला फिल्म था जिसमें आपको मौका दिया गया। मौका मिला था, उसके बाद मैंने दूसरी फिल्म किया घर राजा परदेसी। अच्छा, घर राजा परदेसी में मैंने काम किया, उसके बाद वहाँ से एक लड़का मिला मुझे, मेरा दोस्त वहाँ से बस्ती से। अच्छा, बस्ती से, बस्ती जिले में पवन सिंह का शूट हो रहा था जी, तो मुझे बोल फोन नंबर दिया, बोला भैया जी आप आ जाइए बस्ती। मैंने बस्ती गया, बस्ती जाने के बाद वहाँ से पवन सिंह के साथ मैंने काम किया। उसके बाद काम करने के बाद वहीं से बिपिन सिंह अच्छा के बाप थे जो जी, बिपिन सिंह मुझे लेके चले गए वहाँ पे सिद्धार्थ नगर। अच्छा, मैं जब सिद्धार्थ नगर गया तो एक फिल्म मुझे मिला इंडियन विराट। अच्छा, जिसके हीरो थे प्रिंस राजपूत थे और बिपिन सिंह थे विलन और मैं था। अच्छा, उसके बाद हमने वहाँ से काम करते हुए मऊ आया, मऊ जिले में। अच्छा, मऊ जिले में मेरे मित्र थे डॉक्टर अपन यादव। अच्छा, उसके बाद मुझे मौका मिला, मैं जब वांटेड करके आया मुझे फिर मुझे मौका मिला एक प्योर लव स्टोरी। अच्छा, वो हिंदी फिल्म है। हिंदी फिल्म, हाँ। उसके बाद लैपटॉप की हमने, जिसमें मेन विलन हम हैं। अच्छा, फिर लैपटॉप के बाद मैंने किया एक फिल्म किया ये वाला जानलेवा का। अच्छा, जानलेवा का में दिनेश जी हैं, दिनेश लाल, हाँ दिनेश लाल, और अक्षरा सिंह है, दीपक भाटिया है। अच्छा, मैं वीरेंद्र टाइगर हूँ, उसमें कई लोग कलाकार हैं, जनार्दन हैं जी, उसमें कई लोग कलाकार काम हम लोग किए। अच्छा, उसके बाद काम करने के बाद फिर मुझे मिला जनता दरबार। जनता दरबार, हाँ, जसवंत कुमार की फिल्म है, उसमें विलन थे जसवंत कुमार, मैं था, जय सिंह थे और हीरो थे मनोज पांडे जी। अच्छा, मुन्नी भट्टाचार्य हीरोइन नहीं, सृष्टि थी, सृष्टि, हाँ सृष्टि हीरोइन थी उत्तराखंडी। अच्छा, उसके साथ काम करने के बाद फिर मैंने एक लखा दूल्हा किया, वो भी अलग दुल्हा, हाँ साउथ था, साउथ वाले। उसके बाद मैं बहुत सारी फिल्म किए, उसके बाद करने के बाद फिर जा रहे हैं दिनेश जी के काम मिला, दिनेश के साथ। अच्छा, दिनेश जी के साथ जो काम करने का इन्हें ऑफर मिल चुका है, मिल चुका है। अच्छा, अगले महीने से वो भी बस्ती में होगा दिनेश जी का। अच्छा, हाँ, फिर एक ऑफर मिला बॉबी देओल के साथ में, बॉबी देओल, हिंदी फिल्म जो अभिनेता बॉबी देओल है, काफी बादल से तमाम कई फिल्मों को लेकर चर्चित है, उनके साथ इनको भी ऑफर मिला मिला है उसमें काम करने के लिए। अच्छा, उसके बाद अगले महीने में हमको बनारस में मिला है, बनारस मिला है। तो आपका ये जिंदगी ऐसे जो है मऊनाथ भंजन में जो है हिंद पैलेस के सामने एक साकर बनाते हुए, जहाँ तक देख पा रहे हैं सभी लोग, यह एक संघर्ष भरी जो जिंदगी गुजार रहे हैं, ये चलते चलते जो एक फुटपाथ पे जिस तरह से एक दुकानों के सहारे जिंदगी गुजार रहे हैं, आपने फिल्म करियर में अपना एक भूमिका जहाँ तक पैदान पे आगे बढ़ा रहे हैं, कई फिल्में बताए भोजपुरी जगह से हिंदी भी फिल्में, तो आपको जो है इतना टैलेंटी देखते हुए लोगों ने आपको पसंद किया। हाँ, ये टैलेंटी का सफर मऊनाथ भंजन से ही हुआ है। और क्या लगता है कि जो यूपी में ऐसे कुछ लोग हैं जो मेहनत को देखते हुए पीछे आ रहे हैं, जैसे मेहनत नहीं उतना कर रहे हैं, आप जो है फिल्म में भी काम कर रहे हैं, इधर साकर भी बना रहे हैं, हाँ, समय मिलता है तो यहाँ भी काम कर लेते हैं भाई, दोनों काम करना। शुरुआत मुझे यही साकर से हुआ है। अच्छा, साकर से हुआ है तो मैं इस धंधे को छोड़ नहीं सकता हूँ जी, मैं काम करता रहूंगा, इसमें भी काम करता। अच्छा, इसको भी काम करते रहेंगे, काम मिलेगा फिल्म में वो भी करेंगे, इसमें भी फिल्म भी करेंगे और अपना जो ये रोजगार है ये भी करते रहेंगे। लेकिन ये संघर्ष की जिंदगी जो सामने गुजर रही है इनकी, वो संघर्ष भरी जिंदगी ये चलती रहेगी, लेकिन ये संघर्ष की कहानी क्या माना जाए कि पारिवारिक क्या स्थिति रहा कि आप इस लाइन में आ गए? भैया हम बहुत बड़े घर से नहीं है। अच्छा, छोटे घर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि पिताजी
करते रहते हैं, उनके साथ मैं काम करता था। इसके बाद ये लाइन में मिला मुझे मेरे बड़े भाई, इसमें में स्टार करके वही मुझे ले गए गोरखपुर में काम सिखाए। अच्छा, सिखाने के बाद मैं मऊ में आया, कहीं मेरी बहन रहती है नौसपुर में, खुशियाँ रहते रहते यहाँ काम करने लगा भैया। अच्छा, करने करते करते अभी करना फिल्म भी करते हैं। कितने भाई हैं, कितने बहन हैं? हम लोग दो भाई हैं। अच्छा, एक भाई गुजर गया, दो तीन बहन हैं। अच्छा, आप बड़े हैं या छोटे हैं? बड़े हैं। बड़े हैं। हाँ। और आप ये जो मेहनत मजदूरी करके जो काम कर रहे हैं, इससे परिवार चलाते हैं? परिवार का जो भी पालन पोषण देखा जाए तो इसी से होता है। इसी से होता भैया। तो जो आप फिल्मों में काम करते हैं उससे क्या एक आमदनी क्या होता है? पर डे का 2000-3000 मिलता है। अच्छा, पढ़े का ये लोग को जो भी काम के हिसाब से मिलता है, जहाँ भी इन लोग को मिलता है, कहीं शूट होता है तो वहाँ पे जाने के लिए आप लोगों को तो कई दिन लगता होगा? नहीं नहीं नहीं, कई दिन, एक दिन पहुँच जाते हैं हम लोग। अच्छा, जाने के बाद शूट पे अपना वहीं खाना पीना सब पैसा किराया भाड़ा सब मिलता हम लोग को वहीं से। सबसे बड़ी काबिलियत ये सामने दिख रही है कि ये साकर जिस तरह से बना रहे हैं, इनके हाथों में ऐसा वो कला है कि शायद थोड़ा भी ये संकोच नहीं कर रहे हैं। और तमाम ये जो है सामने पड़ा है और ये बनाते हुए इतना व्यस्त रहते हैं कि कभी ये खाली टाइम नहीं दिखेंगे। और कई लोग को भी ये रख के काम कराते हैं? तीन लड़के रहते हैं मेरे यहाँ। अच्छा, तीन लोग, ये मऊ से दो लड़के और फिल्म में मेरे साथ काम करते हैं लोग। अच्छा, ये मऊ के लोग हैं। तो अपनी एक संघर्ष भरी कहानी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? और भी जो दर्शक है, और भी कुछ लोग हैं, उनको क्या एक जानकारी देना चाहेंगे? कहेंगे सबसे भैया, मेहनत करिए, लगन करिए, अपना लगन से काम करिए, चोरी चमारी मत करिए। अच्छा, मेहनत करेंगे अच्छा नाम मिलेगा आपको, जो भी काम मिले मन धन से काम करिए। सीखना है तो ये वीरेंद्र शाकर जो है, इनका पूरा नाम वीरेंद्र टाइगर है, जो फिल्मों में इनका नाम दिया जाता है, इनसे सीखिए कि मेहनत की जिंदगी कैसे जीना चाहिए। और संघर्ष वाली जिंदगी से अगर पैसा कमा कर जीते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके जो है एक कर्म में गिना जाएगा, लेकिन चोरी चमारी से बचा जाए। इनका जो मानना है ये सही है और इस मायने से भी होना चाहिए जीवन। और देखा जाए तो आप विलेन का जो काम करते हैं उसमें क्या डायलॉग मिलता है, किस तरह से बोलते हैं हम लोग? भैया जब डायलॉग मिलता है हम लोग, कोई डायलॉग नहीं मिलता। कुछ याद है तो थोड़ा बता दीजिए। अरे पहले मेरा घर राजा परदेसी का डायलॉग था। क्या था वही डायलॉग था कि तो लड़की बोलती है अरे कुत्ता, तो मैंने बोला मेरे कुत्ता बोलेगी अरे कुत्ता कटबो कहला और चटबो कहला। अच्छा, भोजपुरी में था? हाँ, भोजपुरी में था, गया परदेसी, वहीं से मेरा उन्नति हुआ, वहीं से उन्नति हुआ। हाँ, वहीं से। लेकिन हिंदी फिल्म में बता रहे हैं कि लाख दुल्ला में आप साउथ में काम किए, उसमें क्या डायलॉग किया, क्या बात कहने को मिला? देखिए लाख दुल्ला में डायलॉग नहीं है हम लोग, उसमें मेन भी भाई बने, हम भाई बने, उसमें नहीं है। अच्छा, कुछ बातें होगी कहने के लिए, बोलने के लिए? बोलने के लिए है सब, बहुत ज्यादा है, क्या सुनाए भैया, याद नहीं रहता अपना हम लोग, उतना याद नहीं रहता, नहीं रहता भैया। अच्छा, ये बात है। तो ये बात को लेकर क्या कहना चाहेंगे, और कुछ जानकारी जो अभी भोजपुरी का देखा जाए तो अभी दिनेश लाल निरहू जो है इसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, डड़वा जो है टप्पा के, तो देखा जाए तो आपके करीबी हैं, लेकिन वो मौका आप लोगों को देते हैं, आप जैसे कलाकारों को मौका दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं भैया, दे रहे हैं, दे रहे हैं, मनोज भी दे रहे हैं। अभी UP-61 का जो फिल्म लॉन्च हुई है, अभी मिठाई लाल से हमारी बात हुई थी तो बता रहे हैं कि UP-61 लॉन्च हो गई है फिल्म, उसका मुहूर्त देखा गया, तो ये बताए कि वैसे फिल्में जो लॉन्च हो रही है उसमें भी आप लोग काम क्या हुआ, मिला या नहीं? नहीं, हम लोग कोशिश नहीं किए कि काम। अच्छा, अभी तो मेरी नई फिल्म आया था 1.5 लाख का दूल्हा, एक जनता दरबार आया था, फिर प्रवेश लाल के साथ में मेरा आया था माइकल फोटोग्राफर। अच्छा, लव स्टोरी आया था, कई फिल्म तमाम आए थे भैया साहब। चलिए, धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। ये है वीरेंद्र टाइगर जी, और खास तौर से आप मऊनाथ भंजन में जैसे आएंगे, ये हिंद पैलेस के सामने इनका जो है ये शाकर वाला जो है दुकान है, और शाकर बनाते हैं, बड़ी जो है एक अनुभव के साथ इनका जो है हाथों में वो कला है, और दिन जो इनका गुजरता है व्यस्तता से ही गुजरता है, और इतने जो है टैलेंटी के साथ जो काम करते हैं एक विलन का, उतना जो है टैलेंट देखा जाए तो इस शाकर बनाने में भी आपका है। हाँ, चलिए, इतने खास जानकारी के लिए भी न्यूज इंडिया के साथ विमलेश कुमार, नमस्कार।